सैमसंग की तरफ से एक और स्मार्टफोन के बहुत ज्यादा लीक सामने आने लगे हैं। सैमसंग गैलेक्सी A52s ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है। बहुत ही अल्टीमेट स्मार्टफोन होगा। बेहतरीन बेहतरीन से फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। आज बात करेंगे इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर अच्छे होने वाले हैं और कौन कौन से निगेटिव पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी हमारे यूट्यूब चैनल टेक मोजो में, जहां होती है सीधी बात नो बकवास। और भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अब ये सैमसंग गैलेक्सी A52s जो आने वाला है 5G सपोर्टेड होने वाला है, इसके अंदर 12 बैंड सपोर्ट करेगा ये 5G के, तो काफी अच्छे यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ही इसके अंदर 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेशर देखने के लिए मिल जाता है। भाई जो लोग गेम खेलते हैं ना उनके तो मजे आ जाएंगे, इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। साथ ही इसके अंदर दी गई है 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, काफी अच्छी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और ये डिस्प्ले आती है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। भाई प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिफ्रेश रेट भी बहुत अच्छा दिया गया है, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसके डिस्प्ले के लिए। प्लस अगर बात करें इसके कैमरा सेगमेंट की तो रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेंसर दिया गया है। वही पुराने फोन्स की तरह ही इसके अंदर हम लोगों को सेंसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि सोनी का सेंसर दिया गया जो प्राइमरी सेंसर है। उसके साथ ही इसके अंदर हम लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन बना देता है इसके रियर साइड के कैमरे को। साथ ही इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने के मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। भाई अब आती है सेल्फी लवर्स की बात, तो यहां पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी का सेंसर जो बहुत अच्छी और अल्टीमेट फोटोज लेता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर फोटोज बहुत ज्यादा डालते हैं और अगर आप रील्स बनाना पसंद करते हैं तो भाई साहब ये स्मार्टफोन बहुत अच्छी वीडियोस लेने वाला है। बैक साइड से भी 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे के साथ में भी आप 4K की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 30 FPS पर। अब सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर हम लोगों को स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने के लिए मिला था जो काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं कि भाई A52s के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर। भाई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। इस प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लेकर के आ रहा है और सैमसंग जब से स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को देना शुरू कर चुका है तब से उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक्सोनस के सामने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी और ये प्रोसेसर है 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, तो काफी कम बैटरी कंज्यूम करेगा, आपकी काफी लंबी बैटरी चलने वाली है। और ये स्मार्टफोन डुअल बैंड 5G को सपोर्ट करने वाला है तो ये भी इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को एड्रेनो 642L GPU दिया गया है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। अगर पबजी जैसे गेम खेलते हैं, भाई अब पबजी तो रहा नहीं, BGMI आ गया है हमारा इंडिया के अंदर, तो उसे खेलना पसंद करते हैं तो भाई सब बहुत अच्छा उसके अंदर आप लोगों को गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लैग देखने के लिए नहीं मिलेंगे और रिफ्रेश रेट तो काफी कमाल का दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को हार्डवेयर लेवल की नॉक्स सिक्योरिटी मिलने वाली है। भाई मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी A51, उसके अंदर हार्डवेयर बेस्ड नॉक्स सिक्योरिटी दी हुई है, काफी ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है उसके अंदर। इसके अंदर भी हम लोगों को हार्डवेयर बेस्ड नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर आने वाला है। बहुत अल्टीमेट ये स्मार्टफोन हो जाता है इन सब फीचर्स को अगर मिला करके देख लेते हैं। साथ ही अगर बैटरी कंपार्टमेंट की बात की जाए तो हम लोगों को 4500mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है और 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था टोटल रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी A52s का, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसी रेंज के अंदर ऐसा ही एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन चाहिए और आपको अभी लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ आप जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर के वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।